नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल डोडा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुशील पूनिया और आज आपके लिए लेकर आया हूं एक अनोखी परंपरा की जानकारी, जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। ये परंपरा अनोखी है लेकिन ये सच है। दोस्तों, आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि इस दुनिया में इंसानों की भांति मरने वाले जानवरों का भी अंतिम संस्कार किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसी एक परंपरा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के नज़दीक बसे एक छोटे से गांव झांबर वाली ढाणी में भी मौजूद है। वैसे तो ये गांव बहुत छोटा है, जिसमें लगभग 80-90 घर ही बसे हैं, लेकिन इस गांव के लोगों का पशुओं के प्रति बहुत लगाव है। इस गांव के लोग पशुओं को भी इंसानों की भांति मानते हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि पशु भी इंसान का ही रूप होते हैं। इस जीवनी में पशु हैं तो हो सकता है अगली जीवनी में उन्हें इंसानों की जीवनी मिले। किसी भी पशु के मरने पर उस पशु के लिए कब्र खोदकर, उसको कफन उड़ाकर, उस पर अत्यधिक नमक डालकर उसका रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार किया जाता है। यहाँ के लोगों की श्रद्धा है कि अगर रीति रिवाज के साथ पशुओं का अंतिम संस्कार किया जाए तो हो सकता है कि अगले जन्म में उसे पशु की नहीं बल्कि इंसान का जीवन मिले। इतना ही नहीं, मरने वाले पशुओं की आत्मिक शांति के लिए यहाँ के लोग रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार करते हैं और साथ ही उसकी कब्र पर उस पशु की, मरने वाले पशु की मूर्ति भी स्थापित की जाती है। अंतिम संस्कार के बाद गांव के लोग इकट्ठा होकर मीठे चावल बनाते हैं और बच्चों व गरीब परिवारों को यह चावल खिलाए जाते हैं। दोस्तों, दुनिया में ऐसे भी लोग निवास करते हैं। उनके पशुओं के प्रति इस प्यार को देखकर सभी की आंखें नम हो जाती है। ऐसा ही वाक्य आज इस गांव में देखने को एक बार फिर मिला है। गांव के ही एक बूढ़े सांड, जिसे हम बैल या फिर गोदा बोलते हैं, कि लंबी बीमारी के चलते मृत्यु हो गई, तो सभी ग्रामीणों ने आपस में चंदा इकट्ठा कर बैल का रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार किया। एक तरफ बैल को अंतिम विदाई दी जा रही थी और दूसरी ओर भगवान ने जमकर बारिश भी की। भारी बारिश के बावजूद भी ग्रामीण पीछे नहीं हटे। दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्र के कुछ इलाकों में आज भी पशुओं के प्रति इतना प्रेम देखने को मिलता है, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। दोस्तों, हम सभी को भी पशुओं के प्रति प्रेम रखना चाहिए, जैसा कि इस गांव के लोग पशुओं के प्रति प्यार रखते हैं। ये एक अकल्पनीय सच्ची घटना है, जिसे हम सभी को दुनिया के हर कोने में पहुंचानी चाहिए। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली नई किसी परंपरा या फिर किसी अन्य घटना के साथ। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो के नीचे दिखाई दे रहे सब्सक्राइब वाले रेड बटन को अभी दबा दें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आगे नई जो भी परंपरा होगी, जो नई घटना होगी, जो अकल्पनीय होगी, जिसके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते, इस तरह की वीडियो मैं आगे भी आपके लिए लेकर आऊँगा, तो उसका नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाया हुआ होगा तो आपको सबसे पहले मिल जाएगा। दोस्तों, ये पशुओं के प्रति प्रेम की एक अद्भुत घटना है, जिसको हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पशुओं के प्रति अपना प्रेम रखें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।